हेलो भाई, एक बार ये भी बता दो आजादी आएगी कैसे? यार मैं तुम लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी ये हो गई है, तुमको ये लग रहा है मैं तुम्हारे खिलाफ बात कर रहा हूँ। तुम्हें भी भारत से प्यार है, मुझे भी भारत से प्यार है। आप लोग भी भारत को बदलना चाहते हैं, मैं भी भारत को बदलना चाहता हूँ। आप भी चाहते हैं भारत का नाम इतना हो कि पूरी दुनिया कहे भारत की जय। मैं भी चाहता हूँ। फर्क ये है कि आपने काले काले कलर के प्लेकार्ड्स पकड़ रखे हैं या कुछ लड़कों ने सफेद रंग के पकड़ रखे हैं। सफेद और काले में फर्क ये है कि काला जो है वो मौत का कलर है और सफेद शांति का कलर है। तो आप भी भारत का भला चाहते हैं, हम भी भारत का भला चाहते हैं। आप काले रंग से भला चाहते हैं, हम सफेद रंग से भला चाहते हैं। दोस्तों मैं पिछले 45 दिन से, मेरी आवाज आ रही है सबको, पिछले 45 दिन से लगातार हिंदुस्तान की किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में, किसी टॉप इंस्टीट्यूट में, चाहे वो IIT हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे IIM हो, लगातार स्टूडेंट्स के साथ मैं कर रहा हूँ। पर मैंने ये निश्चय किया था कि जो जंग JNU से शुरू हुई है वो खत्म जादवपुर में करूंगा। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लेफ्ट और राइट की नहीं है। इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि ये लेफ्ट और राइट की लड़ाई है। ये लड़ाई ना तो संघियों की है, ना लाल सलाम वालों की है। ये लड़ाई है उन लोगों के बीच में जो भारत को कुछ बनाना चाहते हैं और वो लोग जो भारत में रह के भारत को तोड़ना चाहते हैं। Yes! ये देश इतना महान देश है। पिछले 45 दिन में मैंने जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास बढ़ गया है, अगर इस विश्व में कोई क्रांति आएगी तो वो उन स्टूडेंट्स के साथ आएगी जो भारत का नाम रोशन करेंगे। इस जमीन ने, भारत की जमीन ने एक से एक महान पॉलिटिकल थिंकर्स को जन्म दिया है। मैं पॉलिटिक्स की ही बात करूंगा। एक से एक महान पॉलिटिकल थिंकर्स को जन्म दिया है। हमने चाणक्य को जन्म दिया है, हमने अशोका को जन्म दिया है, कृष्ण, अगर आप गीता पढ़े तो कृष्ण से बड़ा पॉलिटिकल थिंकर विश्व में कोई नहीं हुआ। हमने गांधी को जन्म दिया है, हमने सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया है, हमने वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया है, हमने नरेंद्र मोदी को जन्म दिया है। इतने मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस देश ने इतने महान पॉलिटिकल थिंकर को जन्म दिया है वहां पे माओ क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि हमको अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग बाहर से लानी पड़ी? और क्यों ऐसी नौबत आ गई कि अगर कोई गांधी की बात करता है तो उसका विरोध हो? ऐसी वो हर बात जो हिंदुस्तान के भले की हो, जो एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन हिंदुस्तानी स्टूडेंट के भले की हो, उसका विरोध क्यों किया जाता है? ऐसा वक्त आज कैसे आ गया
सवाल ये है, आजादी किससे लोगे? भाई आजादी तो उससे ली जाती है इसके गुलाम होते हैं। क्या आपने अपने दिमाग में ये मान लिया कि आप किसी के गुलाम हैं? गुलामी किसकी कर रहे हैं? हमारी तो कर नहीं रहे। तो जो चीन से जो लोग आए उनकी गुलामी कर रहे हैं, तो उनकी आजादी मान लिया। और आजादी मांगने के पहले पलट के एक बार अपने माँ बाप को भी देखो यार, जिनने अपने खून पसीने से तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजा है। जिस देश में हम सांस लेते हैं, कम से कम उस देश को तोड़ने की बात करो। और आपकी लड़ाई किस चीज के साथ होनी चाहिए? आपकी लड़ाई उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि एफिशिएंट नहीं है, जो लोग प्रोडक्टिव नहीं है, जो लोग बेईमानी करते हैं। पर आप अगर सारी दुनिया से लड़ाई लड़ेंगे और एक ऐसे सपने को दिखाएंगे जो अदृश्य है, जिस तरह से जादूगर लोग एक अजीब सी चीज दिखाते हैं, जैसे जो फ्रॉप फरेबी साधु महाराज आपको एक अदृश्य सपना दिखाते हैं, उस तरह का अदृश्य सपना दिखा के स्टूडेंट्स के दिमागों को अगर ब्रेन वॉश करेंगे तो ये देश कभी पनपेगा। जिस तरह से दोस्तों ये जो फिल्म है ये एक रिसर्च बेस्ड है, जिस तरह से तालिबान और आईएस यंग लड़के लड़कियों को बहका के जिहादी और सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, हमारे देश में भी कई इंटेलेक्चुअल्स यंग लड़के लड़कियों को बहका के इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट बनाते हैं, कन्हैया के रूप में आपने देखा। मैं ऐसी किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकता, मैं ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकता जो टेररिस्ट लोगों के जन्मदिन या मरने के दिन को सेलिब्रेट करे, जो देश की बर्बादी की बात करे। और आजकल कुछ ऐसा फैशन सा बन गया है, एक अजीब तरह का नया एक एटीट्यूड सा डेवलप हो रहा है कि आप अगर देश को गाली देंगे तो ही फेमस हो सकते हैं। लेकिन ये गलत है। बरखा तक राजदीप सरदेसाई की चैनल में जिन लोगों को इंटेलेक्चुअल्स बोला जाता है, एक्चुअली वो इंटेलेक्चुअल्स है नहीं। वो तो अच्छा हुआ अवार्ड वापसी फेल हो गया, वरना कई लोगों ने उन्हीं को इंटेलेक्चुअल्स मान लिया होता। आपने कभी भी जब इंटेलेक्चुअल्स की बात होती है, कभी उन लोगों का नाम सुना इंटेलेक्चुअल्स में जिन लोगों ने मार्स के ऊपर मिशन भेजा था? क्या कारण है कि सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम इंटेलेक्चुअल्स में लिया जाता है जो भारत की हर परंपरा को, हिंदुस्तान के हर त्योहार को, हमारे देश की हर चीज को गाली देते हो और देश के तोड़ने की बात करते हो? असली इंटेलेक्चुअल वो लड़के लड़कियां हैं जो चुपचाप मेहनत करके, पढ़ाई करके इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों मैं दुनिया के सबसे आजाद देश में रहा हूँ, अमेरिका में। मैंने वहां भी पढ़ाई की है। अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में अगर 10 लड़के खड़े होके ओसामा बिन लादेन जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, 3 मिनट के अंदर ऊपर अनडिस्क्लोज लोकेशन में भेज दिया जाएगा। तो देश पूरे विश्व में अगर एक ही देश है जो इतनी आजादी देता है हमको, वर्ल्ड के किसी देश में अगर मैं आता, गाड़ी पे इस तरह से हमला कोई नहीं कर सकता था। मरीज अगर आजादी चाहिए तो आपको मैं बताता हूं कैसे आएगी। आजादी आएगी आपके विचारों से, आपके आइडियाज से। अगर कोई देश कुछ बन सकता है, अगर एक देश को बनाना है तो उसको सिर्फ उसके स्टूडेंट्स बनाते हैं। ये बात लोगों को समझ में आ गई है, इसलिए जो अगला वॉर है वो बंदूकों से नहीं लड़ा जाएगा, वो स्टूडेंट्स के दिमागों में घुस के लड़ा जाएगा। अब स्टूडेंट्स के दिमागों में दो तरह से घुसा जा सकता है, एक देश को तोड़ने के लिए और एक देश को बनाने के लिए। ये आपको चुनना है आप किस तरह के स्टूडेंट बनेंगे, देश को तोड़ने वाले या बनाने वाले। और एक बात याद रखना मेरी, नंबर से कुछ नहीं होता, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी से होता है।
कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। आज जादवपुर यूनिवर्सिटी में देश को बनाने की बात करने वाले लड़के कम हो सकते हैं संख्या में, लेकिन पूरा भारत पर। आपने कभी ये सोचा है? अब आपको एक दूसरा बहुत बड़ा फ्रॉड बताता हूं। आपने कभी ये सोचा है पूरे हिंदुस्तान में लोगों के दिमाग में ऐसी छवि कैसे बनी कि जादवपुर में देशभक्त लोग है ही नहीं, जेएनयू में सिर्फ देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ऐसी बात कहां से आई? इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। हमारे मीडिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो एक शरीफ मिडिल क्लास बंगाली बोलने वाला, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु बोलने वाला, अपने माँ बाप से प्यार करने वाला, अपनी जमीन से प्यार करने वाला लड़का लड़की होगा, उसको टीवी में दिखाएंगे ही। आपको टीवी में आना है, आपको टीवी में आना है, आप गाली दो, देश को गाली दो। ये लोग तो आर्मी को भी गाली देने लगे। आखिर में मैं बड़ा हूं आप उम्र में, एक सलाह देना चाहता हूं। अगर भाई कश्मीर को भी आजाद करवा दोगे, मेघालय को भी आजाद करवा दोगे, देश की हर जगह को आजाद करवा दोगे, तो फिर आजादी देने वाला बचेगा कौन? आपको पता है ना, चाइना में सिटीजन बनना संभव नहीं है, तो वहां तो जा नहीं पाएंगे आप। लेकिन अब वक्त आ गया है इस तरह से अलग अलग लड़ाई, आप अपनी विचारधारा खुद भी रखिए, लेकिन अब वक्त आ गया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये देश एक बार फिर से एक कलेक्टिव ड्रीम देखे, संगठित होकर एक ऐसा सपना देखे कि क्या 2025 तक जब आप लोग ग्रेजुएट होके थोड़ा काम वाम करके निकलेंगे, क्या इंडिया वर्ल्ड की आइडिया कैपिटल नहीं बन सकती? पूरे विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पे इस कदर का जुगाड़ होता हो। जुगाड़ के लिए बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है, और हमारे स्टूडेंट्स इतने दिमाग वाले हैं, इसीलिए अमेरिका में उनकी इतनी इज्जत होती है जब यहां से जाते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा संकल्प नहीं कर सकते कि हम अगले 10 या 15 साल में हिंदुस्तान को इनोवेशन और आइडिया का हब बना देंगे? अगर आपको इन सवालों का जवाब देना है, उसका एक ही तरीका है। देखिए, मैंने ये बहुत सुना है, मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, मैंने भी बसें चलाई हैं, इनका एक ही इलाज है, इनको लॉजिक से मारो, इनके सामने तर्क रखो, फैक्ट्स और फिगर रखो, ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनके नारों में तो साइंस नहीं। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत, आपने बुलाया, बहुत हिम्मत की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गाड़ी में था, मुझसे किसी ने बोला डर तो नहीं लग रहा, मैंने कहा डर, अब तो मुझ में हिम्मत आई है। जादवपुर यूनिवर्सिटी आके मेरा हौसला और बुलंद हो गया है, अब इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता। 13 मई को रिलीज होके रहेगी, मेरे को विश्वास। थैंक यू वेरी मच।